अगर मैं ये कहूं कि 100 में से 90 इलेक्शन हारने वाला व्यक्ति फिर खड़ा होके फिर पदयात्रा कर रहा है, फिर न्याय यात्रा कर रहा है, और देश में उनको पप्पू और क्या क्या नहीं कहा गया, उसके बाद भी एनर्जी उनके अंदर है, तो बंदे में दम तो है। मगर वो दम के साथ साथ उनके सलाहकार जितने हैं, उनके भाषण लिखने वाले व्यक्ति जितने हैं, या उनका जो नियम बनाते हैं कि कैसे किस तरह से, उनको राहुल गांधी को फॉलो करना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी क्या होता है कि अपनी टीम की बात ही नहीं सुनते। प्रॉब्लम यहाँ है, अगर टीम ने कोई प्लान तय किया है तो वो उसको चेंज कर देंगे या उस प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे ही नहीं, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो यहाँ राहुल गांधी को अगर आप उनका भविष्य देखोगे, अगर वो इसी प्रकार से चलते रहे तो बहुत उज्जवल भविष्य नहीं है उनका।